नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो ये आपके पास एक बॉडी है, आप इसे राइट मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी, लेफ्ट। और मान लो यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रही है एफ मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक, ठीक, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं। और हो सकता है ये बॉडी मूव भी ना करे क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक है, तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। पर चलो फ्रिक्शन तो लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, ऊपर है, क्योंकि वेट नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दो फोर्सेज हैं, इनका जो रिजल्टेंट है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट ये बनेगा। तो इनकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या एंगल बनाता है, थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है जो एक बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट के साथ बनाएगा, और किसका रिजल्टेंट, आर का और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर अगर ये एफ मैक्स है यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इस ट्राइंगल में टैन थीटा क्या होगा, एफ मैक्स स्टैटिक डिवाइडेड बाय आर, और ये क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो क्या आंसर आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ये अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन काम कहाँ आता है, आपको कोई न्यूमेरिकल देगा, नॉर्मली न्यूमेरिकल के अंदर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू गिवन होती है, पर कभी कभी वो म्यू एस नहीं देगा, आपको दे देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मान लो वो कहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 60 डिग्री है, तो टेन ऑफ 60 क्या होता है, रूट थ्री, तो म्यू एस रूट थ्री है। पर इतना ही काम है, पॉइंट समझ में आ रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ है, ठीक। जब रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में देखेंगे, पर थ्योरी में क्लियर है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरीके से एक और एंगल है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज है, आपके पास मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, आप इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ा रहे हैं, बॉडी यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो शुरू शुरू में बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, पर एक ऐसा एंगल आएगा मिनिमम एंगल जब बॉडी अपनी जगह से हिलनी स्टार्ट होगी। मैं ये नहीं कह रहा एक्सेलरेट करती हूँ नीचे आएगी, हिल भी गई अगर, तो उस मिनिमम एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल है जब ये बॉडी इज जस्ट एबल टू मूव। जस्ट एबल टू मूव का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि एक्सेलरेशन, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, नो एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो जब ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसके mg फोर्स है, mg cos, mg sin, क्लियर है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f max स्टैटिक ही, क्योंकि बॉडी इज अगेन लाइंग एट रेस्ट, मतलब बल्कि जो हिली है मोशन में नहीं है। तो ऐसे केस में अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में ये mg sin ऑफ phi की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू mg इंटू cos ऑफ। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, एम जी कॉस फाइव। तो क्योंकि बॉडी जस्ट एबल टू मूव, हल्की सी हिली है, एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो नीचे और ऊपर की फोर्स बराबर है। तो जब आप इसे इक्वेट करोगे, एम जी से एम जी कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन फाइव। टेन फाइव किसके इक्वल है, म्यू एस। अब फॉर्मूला सेम वही आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला, चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन लें चाहे इंक्लाइन प्लेन लें, टेन फाइव इक्वल टू म्यू एस। तो अगर आपको म्यू की वैल्यू कितनी की बना, यहाँ पर म्यू एफ एस की वैल्यू रूट थ्री, तो फाइव इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज क्या आएगा, 60 डिग्री। तो अगर रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम एंगल निकालने की, तो इस फॉर्मूले से हम मिनिमम एंगल निकाल लेंगे। ये एम जी साइन फाइव इसके इक्वल है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस क्योंकि स्टैटिक की बात हो रही है, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर किसके इक्वल है, एम जी कॉस फाइव, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुट किया मैंने।